तो क्या आप भी एक टीनेजर हो और आप भी अपने फाइनेंसेस को मैनेज नहीं कर पाते हो? तो आज की ये वीडियो बस आपके लिए होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सपेंसेस को, अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर सकते हो एज ए टीनेजर, और हम कुछ तरीके देखेंगे जिसके कारण आप अपने मनी को और भी ज़्यादा सेव करके उसे बचा पाओगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के समझे वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट बाय मेकिंग सम मनी। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट यही होने वाला है कि आप अगर आपको पैसे बचाने हैं तो उससे पहले आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। एज ए टीनेजर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप अपने कैसे डेली रूटीन को मैनेज कर पाओ, अपने एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज कर पाओ, अपनी कॉलेज की फ़ीस से लेकर अपने पहनने और अपने खाने तक की चीज़ों को मैनेज कैसे कर पाओ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कमाना पड़ेगा। एज ए टीनेजर ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपनी पढ़ाई को और अपने कॉलेज की या फिर स्कूल की चीज़ों को छोड़कर कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर कुछ अर्न कर पाओ। तो इसके लिए आप पहले शुरू में छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने से छोटे बच्चों को या फिर आपके कोई नेबर्स हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार हैं तो उनके बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर स्किल सीख कर उस पर काम करिए, और थोड़ा सा ही क्यों ना चाहिए बट आप अपनी कुछ अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप अननेसेसरी पार्टिंग। एज अ टीनेजर हम सभी के बहुत सारे सपने होते हैं कि हम भी घूमें फिरें, पार्टीज़ में जाएं और इन्जॉय करें अपनी टीनेज लाइफ को। बट यही वो वक्त भी होता है जब आप कुछ पैसे सेव कर सकते हो, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आप बात के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा हो सके आप पार्टीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप पार्टीज़ में जाएंगे तो आपका वहाँ पर खर्चा होना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। आप अपने स्टेटस को मैनेज करने के लिए न्यू क्लॉथ्स बाय करोगे, वहाँ जाकर फूड में पैसे खर्चा करोगे, और इवन आप ड्रिंक कर कर भी बहुत ही ज़्यादा अपना पैसे को लॉस कर पाओगे। तो इसी कारण से जितना ज़्यादा हो सके अननेसेसरी की पार्टीज़ को अवॉइड करना चाहिए, और अपने पैसे को थोड़े अच्छे जहाँ पर इन्वेस्ट करके उसे अपने फ्यूचर के लिए ग्रो होने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टॉप बाइंग थिंग्स यू डोंट नीड। आजकल के डिजिटल एरा में जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को कूल दिखाने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति ये दिखाने में लगा हुआ है जो वो नहीं है, इस एरा में अपने आप को मैनेज करना और अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक रेस बन चुकी है कौन कितना ज़्यादा अच्छा दिखेगा, किसके पास कितने अच्छे कपड़े हैं, किसके शूज़ अच्छे हैं, किसके शर्ट अच्छी है, किसके पैंट अच्छे हैं। और इसी के कारण हम काफ़ी ज़्यादा बार ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी हमें कोई भी रियल लाइफ में यूज ही नहीं होती है, और जहाँ पर अमेज़न, मिंत्रा जैसे काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो कि हमें अननेसेसरी के ऑफ़र देकर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को खरीदवाना चाहते हैं। बट आपको इसी समय इन सब चीज़ों से बचना है। ऐसी चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट करना या फिर खर्च करना बिल्कुल छोड़ दीजिए जो कि सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है और आपके काम बिल्कुल भी नहीं आने वाली। आप 2-3 हज़ार के नाइकी के शूज़ से अच्छा एक नॉर्मल शूज़ भी ले लोगे, वो भी आपको वही आराम देगा, वो भी आपको वही कंफर्ट देगा। हाँ, बट अगर आप कुछ अर्न करते हो तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। उसके बाद आप अपने पैसे को जिस तरीके से खर्चा करना चाहे उस तरीके से खर्च कर सकते हो, बट फिर भी हमेशा सावधान रहे कि जो चीज़ें आपको नेसेसरी नहीं है, जो थिंग्स, जो क्लॉथ्स, जो शूज़ आपको ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, उन्हें आप खरीदना बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। और एक्सपेंसिव से अच्छा आप ऐसी चीज़ें खरीदिए जो कि क्वालिटी बेस्ड हो, जो कि लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चले और आपको उसी तरीके का कंफर्ट और प्लेजर दे पाए। पॉइंट नंबर 4, ओपन अप अ सेविंग्स अकाउंट। जी हाँ, अगर आप एक टीनेजर या फिर एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक सेविंग्स अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी और ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे हम अपने एक्सपेंसेस को खुद से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आपको एक सर्टेन पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है तो आप बार बार उसी से ट्रांजेक्शन करते रहोगे और आपको अपने एक्सपेंसेस या फिर अपने ट्रांजेक्शन का कोई हिसाब ही नहीं रह पाएगा कि आप एक मंथ में कितना खर्च करते हो और आपको एक मंथ में कितना खर्च रियल में करना चाहिए। तो इसी के कारण अगर आपका एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट होगा तो आप उसमें अपने टोटल अर्निंग या फिर टोटल पॉकेट मनी का एक सर्टेन पोर्शन निकाल के डाल सकते हो, और उसके बाद हर मंथ आप धीरे धीरे उसी पोर्शन को जमा करते हुए एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार कर सकते हो जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसी के कारण आप अपने ट्रैवल, अपने फूड, अपने क्लोथिंग और अपने स्टडी के एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर पाओगे, और जो जो चीज़ें आपके लिए उसमें से नेसेसरी नहीं होंगी उनको धीरे धीरे आप एलिमिनेट भी कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्ट सम ऑफ योर मनी ऑन योर सेल्फ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के टाइम पे आप कहीं इन्वेस्ट करो ना करो बट अपने आप पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी और आपका ब्रेन आपको रिटर्न दे पाएगा। अगर आप जिम जाना नहीं अफोर्ड कर सकते कोई बात नहीं, घर में ही कुछ डंबल्स ले आइए,
कुछ वेट ले आइए, जिसके कारण आप अपनी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को मेंटेन्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है तो कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा आप यूट्यूब या गूगल जैसे फ्री प्लेटफॉर्म से जाके उन्हें अच्छे तरीके से सीख सकते हो। आप कुछ अच्छे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो जो आपको और बेटर थिंक करने में हेल्प करेंगे और आपके ब्रेन को और ज़्यादा नरिश करेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट्स कि आप कैसे एज अ टीनेजर अपने फाइनेंस और अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने और भी बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। बाय।